जैसा कि एक साल में 12 महीने होते हैं, उसी तरीके से हिंदी माह में यानी हिंदी पंचांग में एक साल में 12 महीने होते हैं। इंग्लिश मंथ तो आप सभी को पता होगा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यह सभी को पता होता है। लेकिन हिंदी वाले मंथ में कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, और अगर आपको हिंदी माह के बारे में नहीं पता तो आपको अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और हिंदी माह के अनुसार हर दिन कुछ न कुछ त्यौहार मनाया जाता है, परंतु अभी तो फिलहाल के लिए ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यह सब विलुप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी एक महीने में कम से कम 2 या 3 पर्व अवश्य मनाए जाते हैं। अब पूर्णिमा और अमावस्या को समझने से पहले हमें हिंदी माह को समझना होगा, और अगर हम पूर्णिमा को समझ जाते हैं तो पूर्णिमा के दिन पड़ने वाले सभी त्योहारों को भी हम जान जाएंगे, जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, इन सभी चीजों को हम जान जाएंगे। तो हिंदी के 12 महीने कुछ इस प्रकार से है। पहला चैत, दूसरा बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, छठा भाद्रपद, सातवां आश्विन, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, दसवां पौष, ग्यारहवां माघ और बारहवां फागुन। यह एक साल में 12 महीनों के नाम थे। अब एक महीने को यहाँ पर दो पक्ष में बांटा गया है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि दो पार्ट में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। यानी हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पड़ता है, यानी 12 महीने में 12 शुक्ल पक्ष और 12 कृष्ण पक्ष पड़ता है। शुक्ल पक्ष में 15 दिन होते हैं और कृष्ण पक्ष में भी 15 दिन होते हैं। इस तरीके से इन दोनों पक्षों को मिलाकर हमारा एक महीना पूरा हो जाता है। अब पूर्णिमा कब पड़ता है? पूर्णिमा शुक्ल पक्ष के 15वें दिन पड़ता है, यानी अंतिम दिन। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब माह का प्रारंभ होता है, जैसे चैत माह का प्रारंभ हुआ, उसके 15 दिन बाद पूर्णिमा पड़ेगा, और इसके तुरंत बाद यानी पूर्णिमा के तुरंत बाद कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाता है, और यह भी 15 दिन तक चलता है। और कृष्ण पक्ष के 15वें दिन अर्थात अंतिम दिन अमावस्या होता है। अब यह जो 15 दिन का काउंट है, आप ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना कि एक दिन को 24 घंटे में काउंट किया जाता है। अर्थात हिंदी माह में आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि एक दिन बराबर 24 घंटे होते हैं। हिंदी माह के एक दिन चंद्रमा और सूर्य की स्थिति को देखते हुए निकाला जाता है। अर्थात हिंदी माह में जरूरी नहीं है कि 15 दिन में 15 × 24 बराबर 360 घंटे ही हों। इसकी अवधि इससे अधिक या इससे कम हो सकता है। अब पूर्णिमा के दिन क्या होता है? पूर्णिमा के दिन चंद्रमा आकाश में पूरी तरह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इसका प्रोसेस किस तरीके से होता है? जब माह के पहला शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष का पहला दिन, चंद्रमा थोड़ा सा दिखेगा। जैसे जैसे शुक्ल पक्ष की अवधि बढ़ती जाएगी, अर्थात शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन, चंद्रमा पहले दिन से ज्यादा दिखेगा। तीसरे दिन उससे थोड़ा ज्यादा दिखेगा, और उसके अगले दिन उससे और भी ज्यादा दिखेगा। इसी तरीके से 15 दिन में चंद्रमा पूरी तरह बिल्कुल स्पष्ट रूप से आकाश में दिखेगा। उसी दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। अब पूर्णिमा के तुरंत बाद कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाता है। यह कृष्ण पक्ष का पहला दिन होता है, और पहले दिन में चंद्रमा थोड़ा सा डूब जाता है। इसी क्रम में दूसरे दिन थोड़ा और डूब जाता है, और अंतिम दिन यानी 15वें दिन चंद्रमा बिल्कुल भी डूब जाता है, अर्थात बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। उसी दिन को हम अमावस्या कहते हैं। अब जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि पूर्णिमा शुक्ल पक्ष के 15वें दिन पड़ता है, अर्थात अंतिम दिन पड़ता है, तो हर महीने में पड़ने वाले पूर्णिमा में कोई न कोई जयंती या पर्व मनाया जाता है, क्योंकि पूर्णिमा का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है, इसलिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अब इसी क्रम में हम यह भी जान लेते हैं कि
हर महीने में पड़ने वाले पूर्णिमा में कौन कौन सी जयंती मनाई जाती है। इससे पहले हम आपको यह बात बता दे, जिन्हें यह बात नहीं पता है कि हमारे हिंदी माह का नया वर्ष चैत माह को कहा जाता है। अगर हम इंडियन है तो हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारा नौ वर्ष कब आता है, और वह होता है चैत माह का शुक्ल पक्ष प्रथमा। पूर्णिमा के दिन कौन कौन सी जयंती मनाई जाती है? चैत पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती मनाई जाती है, इसी दिन को हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री मनाई जाती है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, इस दिन कबीर जयंती को भी मनाई जाती है। श्रावण के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वरी व्रत मनाया जाता है। आश्विन पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर मेला मनाया जाता है, और इसी दिन गुरु नानक जयंती का भी पर्व मनाया जाता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन श्री दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। पौष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन शांक भरी जयंती मनाई जाती है। इसी दिन संगम में स्नान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस दिन बनारस में दशाश्वमेध और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में लोग स्नान करते हैं। माघ की पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती मनाई जाती है, और माघ पूर्णिमा के दिन संगम में माघ मेला लगता है। लोग इस दिन स्नान करने का बहुत ही उत्तम और विशेष महत्व मानते हैं। फागुन के पूर्णिमा के दिन होली पर्व मनाया जाता है। होली पर्व के बारे में तो सभी लोगों को जानकारी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि यह फागुन माह की पूर्णिमा के दिन पड़ता है? किन लोगों को पता था वह कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको यह बता दे कि जो यह हिंदी काल गणना है, इस पर आज भी लोग रिसर्च कर रहे हैं। इसमें इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों का ध्यान रखा गया है कि इसे समझ पाना आज भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। कुछ चीजों के बारे में अभी भी प्रयोग हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इन हिंदी कालगणना की रचना जिसने किया होगा वह कितना बुद्धिमान और कितना गहन सोच वाला व्यक्ति होगा। और यह कालगणना ऐसे ही नहीं रचा गया है, इसके पीछे पूरी तरह से लॉजिक है। यह समय हमारे आकाश में घटित घटनाओं से मापा जाता है, यानी सूर्य चंद्र और तारों के नक्षत्र के ऊपर पूरा फोकस करते हुए इस समय कालगणना का रचना किया गया है। यह जो हिंदी कालगणना है, यह सूर्य सिद्धांत के 11वें से 23वें श्लोक के अंतर्गत आता है। सूर्य सिद्धांत पर अभी भी रिसर्च हो रहे हैं, क्योंकि इसे पूरी तरीके से समझ पाना इतना भी आसान नहीं है। आपको बता दे कि हमारे इस सिद्धांत में आने वाले कई हजार वर्ष का उल्लेख है, यानी आने वाले कई हजार वर्ष का सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तारों के नक्षत्र, समय सीमा और समय के हलचल, समय की गतिविधियों में चेंज, हर चीजों के बारे में पहले से ही पता करके रखा गया है। आज हम जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं, वह पहले से ही इस सिद्धांत के आधार पर निकाल कर रखा गया है, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है। आज के समय में जो हम ग्रहों के स्पीड को निकालने के लिए उपकरण लगा के रखे हुए हैं, लेकिन आपको यह जानकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा कि खगोल शास्त्र के सूर्य सिद्धांत में पहले से ही ग्रहों की चाल की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, दिशा, स्थान और समय, चंद्रमा और ग्रहण, सूर्य और ग्रहण, ग्रहणों का पूर्व अनुमान एवं आकलन, तारों के बारे में, तारों का उदय एवं अस्त, चंद्रमा का उदय एवं अस्त, सूर्य का उदय एवं अस्त, इन सभी चीजों का उल्लेख मिलता है। और इसी के आधार पर आज के सभी खगोल शास्त्रीय हमारे आकाशगंगा के पूरे स्थिति को ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, यह सब एक बृहद विषय हो जाएगा, जिसके बारे में एक वीडियो में बात कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आपको पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, और पूर्णिमा के दिन पड़ने वाले सभी पर्वों के बारे में पता चल गया होगा। तो हर पूर्णिमा के दिन कोई न कोई पर्व मनाया जाता है,
तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जो भी देगा हम नेक्स्ट वीडियो में उनका आंसर अपने वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, हिंदी माह के साल भर में कितने शुक्ल पक्ष और कितने कृष्ण पक्ष आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण किस दिन होता है। तीसरा, हमारे हिंदी माह का नौ वर्ष कौन से महीने को माना जाता है। तो दोस्तों आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताएं। जिनका ये तीनों क्वेश्चन सही होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उनका आंसर अपने वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्हें इनके बारे में नहीं पता उन्हें यह वीडियो अवश्य भेजें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।